सिमरिया थाना क्षेत्र के भामरा निवासी प्रवीण श्रीवास्तव 3/11/2022 को घर के अंदर लहूलुहान हालत में मिले थे, जिसकी उपचार के दौरान बिरला हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। परिजनों ने प्रवीण की हत्या का आरोप सगे भाई नवीन के ऊपर लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर भाई को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वहीं अब उक्त मामले में नया मोड़ आ गया। मृतक और आरोपी बनाए गए युवक की मां माधुरी श्रीवास्तव अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और सिमरिया थाना प्रभारी SI अभिषेक खरे पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के चलते उनके द्वारा जिन आरोपियों के नाम बताए गए थे उनके खिलाफ मामला ना दर्ज कर मृतक के सगे भाई नवीन को आरोपी बनाकर जेल पहुंचा दिया। माधुरी श्रीवास्तव और उनकी बेटी ने बताया कि उसके बेटे की हत्या सूर्यभान पंकज गुड्डू वर्धमान ने की है। हत्या की वजह जमीनी रंजिश है, जिसके चलते एक बेटे को मौत के घाट उतारा गया और साजिश कर एक बेटे को जेल भिजवा दिया गया और अब संपत्ति हड़पना चाहते हैं। पूरे मामले को लेकर SI अभिषेक खरे ने बताया कि जो FIR दर्ज कराई गई है वह परिजनों के द्वारा ही दर्ज कराई गई थी और उनकी शिकायत पर ही नवीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर परिजनों ने क्या कहा है। था कमरे में छोटे बेटा भी सो रहा था, 11-12 बजे के बीच में रात में इसको हमला करके तीन लोग सूर्यभान पंकज गुड्डू गुर्जमान उसको नशीली शराबी पिला के एक तरफ से सबरी कुदारी से मार के इसको मेरे बेटे को हत्या कर दी। मैं दो तारीख मेरे लालू को ऊपर बड़ा भाई लालू मारा, लेकिन लालू भाई को कभी हाथ नहीं उठाया, कभी बहुत प्यार से भाई को रखता था वो। आज मेरा बड़ा वाला बेटा भाई के लिए तड़प रहा कि मेरा गुड्डू मार के बाहर निकल गए, पीछे से दरवाजा खोल के असाकर खोल के उसको मार के निकल गए। लालू को सवेरे बड़ा वाला का लालू नाम है, नवीन है, पेम लालू कहते हैं। तो वह सुबह जब उठा तो देखा कि गुड्डू अभी तक नहीं उठा, 6-7 बजे सो के उठता था। तो जब 8-9 बजे लालू सो के उठा, देखा कि गुड्डू कहे नहीं उठ रहा। जब उसका रजाई खोल के देखा तो खून में लथपथ बेहोश था। फिर सबको चिल्लाया कि दौड़ो मेरे गुड्डू का, क्या हो गया क्या हो गया, सब परिवार के दौड़े। फिर तुरंत गाड़ी किए, उसको वहाँ सतना बिरला हॉस्पिटल में भिजवाए। हम लोग दोनों सब गए, उसको एडमिट करवाए बिरला हॉस्पिटल में। मैंने पूछा गुड्डू से कि गुड्डू क्या हुआ, तो बताया मम्मी लालू भैया सो रहा था, उनने हाथ नहीं लगाया, मैं भी सो रहा था, पीछे का दरवाजा खोल के इन लोग तीनों मिलके सबरी या कुदारी से हमको हमला किए। मैंने बेहोश हो गया, मेरे बोलने की चेत नहीं थी। तो मेरे को सवेरे हॉस्पिटल में फिर बताया है गुड्डू छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा हाथ नहीं लगाया। बात के लिए आपने पुलिस से बताया कि मेरा बेटा निर्दोष है? मैंने बताई थी, बताई थी। पुलिस ने किस आधार पर गिरफ्तार किया? मैंने बताई थी पुलिस वाले ने, कोई गवाह नहीं लिखा। कुछ नहीं होता था, ऐसे झगड़ा नहीं होता था भाइयों के बीच में, थोड़ा बहुत तो ऐसे थोड़ा बहुत तो वो है ही है। वही तीन लोग थे जो थे, वो लोग घर में बैठ के पिए। हाँ, जमीनी विवाद वो लोगों ने, मतलब हमारी तो जुताई भी कर ली, बिना रजिस्ट्री की जुताई करवा ली हमारे खेत की। नहीं, तो दो भाइयों के बीच कोई जमीनी विवाद चल रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों भाइयों के बीच में जमीनी विवाद कुछ नहीं था। उन लोगों के बीच में क्या जमीनी विवाद होगा? क्या एविडेंस मिले थे, किसने बताया कि इसने हत्या किया? पुलिस परिवार वालों ने बताया कि मतलब इन लोगों ने, इसने घर, भाई घर में तो वो था तो इसने किया होगा ऐसा, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि ये तीन लोग थे वहां पर। नहीं तो उस समय जब पुलिस वहां गई थी तो क्या वो जिनको गिरफ्तार किया उनके ऊपर भी चोट लगी है क्या? उनको कहीं चोट नहीं है, कहीं चोट नहीं है उनको। वो दूसरे रूम में सोया था, नहीं उनको पता नहीं। और पीछे की सांकर क्या था, हाथ डाल के खुल जाती है। और रात को हमारी गाड़ी भी लेके चले गए थे, गाड़ी भी रात को नहीं थी। वो जब सुबह रखने आए तब लोगों ने देखा कि ये तो लोग तो गाड़ी भी लेके चले गए हैं। सीमा श्रीवास्तव।